ड्रेसेस बनाने के लिए कोई ऐसे ऐसे रिसर्च तो मैंने नहीं की, लेकिन यह कि अर्जुन को जब मैंने थ्रू आउट देखा तो उससे थोड़ा आइडिया हो गया। लाइक जब मैं उसकी गाउन्स बना रही थी या शेरवानी बना रही थी, फर्स्ट टाइम मैंने सोचा कि वो शेरवानी जो है वो थ्रू आउट जो है वो बंद होनी चाहिए, लेकिन जब मैंने देखा कि हलीमा सुल्तान जो है वो घोड़े पे भी बैठी होती है, उसको मतलब घोड़े पे बैठना ईजी होता है, तो देन हमने उसको प्रॉपर एक शेरवानी की लुक दी। शायद हमने सोचा उस तरह से नहीं था, लेकिन आस्ते आस्ते जब उस पर हमने वर्किंग शुरू की तो उसमें इम्प्रूवमेंट जो थी वो डिज़ाइन में आती थी। पहले हमने कुछ और सोचा था, देन उसको प्रॉपर एक शेरवानी की लुक देना, तो वो खुद ब खुद होता गया। इसके लिए मैंने अर्जुन को देखना शुरू किया, जैसे जैसे मैं उसको देखती गई मेरे अंदर उसके लिए एक इमोशंस जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो गए। और मैंने शुरू से ही ये सोचा था कि अगर मैं अर्जुन पे कोई प्रोडक्ट लाइन बनाती हूँ या उसको ट्रीब्यूट करती हूँ तो उसमें मेरा सेल पर्पस नहीं होगा, सेल पर्पस या प्रॉफिट बेस पे वो नहीं होगा। और सेम इसी तरह है, लाइक मैंने अर्जुन पे दो शेरवानी जो हैं वो बनाई हैं हलीमा के ड्रेसेस से इंस्पायर होके, लेकिन उनका पर्पस सेल पर्पस नहीं है और ना ही वो प्रॉफिट बेस पे। तो जब अर्जुन के ड्रेसेस बनाने का या हलीमा सुल्तान पे ड्रेसेस बनाने का सोचा गया और हमने उस आइडिया पे काम करना शुरू किया, और उसके बाद उसी दौरान में जब मेरी हिना से जो है वो पर्सनली जब मैं उनसे मिली हूँ तो मुझे एग्जैक्ट उसका फेस और सब चीज़ें जो थी वो हलीमा सुल्तान जैसी लगी। हिना का कंट्रीब्यूशन इस पूरी थीम में मैं ऐसे ही कह सकती हूँ, जैसे मैंने बोला कि मेरी पूरी टीम की इंटेंशन जो थी वो इसके पीछे सेल की नहीं थी, एक ट्रिब्यूट था जिसमें हिना ने भी कंट्रीब्यूशन किया कि हिना ने उनको पहनने का या उनको उन ड्रेसेस का मेरे से कुछ चार्ज नहीं किया। बिकॉज़ उसने भी यही बात की कि राबिया तुम्हारा पर्पस इसके पीछे जो है या जो तुमने मुझे फीलिंग्स अपनी बताई हैं तो मैं खुद भी चार्ज नहीं करना चाहूँगी। दासन अपैरल शुरू किए हुए मुझे 3 साल का अर्सा गुजर चुका है और मेरे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। ये मेरा जस्ट शौक था, और इस शौक को पूरा करने के लिए अगर हम ऐसे बोलें कि सब कश्तियाँ जलाकर शुरू किया है मैंने, तो ये कहना गलत नहीं होएगा, क्योंकि मैंने मेरे पास जितनी भी प्रीशियस चीज़ें थी वो सब चीज़ें मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दी। मेरी जितनी सेविंग्स थी सब कुछ मैंने इन्वेस्ट कर दिया। शायद लोगों को बल्कि बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि ये नासमझी है या शायद कम अकली है कि सब कुछ जो है वो एक ही जगह पे इन्वेस्ट कर देना और इतनी बड़ी अमाउंट में इन्वेस्ट कर देना। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि अलमिया जो है मेहनत का फल ज़रूर देता है, और इस 3 साल के अरसे से मैंने यही लर्न किया है कि गिव अप कभी ना करो, बस लगे रहो, इंटेंशंस पॉजिटिव रखो और अलमिया पे भरोसा रखो। अलमिया इज़्ज़त देने वाला है और अलमिया ज़रूर इज़्ज़त देता है।